हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं आईसीआर सीयूईटी 2024 को लेकर। आपके जो डोमेन सिलेक्शन करने हैं आपको, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आपके डोमेन के लिए सेलेक्ट करने हैं, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया मैं पीसीबी से हूँ, मैं पीसीएम से हूँ, मैं एबीसी से हूँ, मुझे कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जिससे मैं अधिक से अधिक कोर्सों के लिए एलिजिबल हो पाऊँ, काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कैसे अपने सब्जेक्टों का सिलेक्शन करूँ। तो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री यानी कि एबीसी से हो या पीसीए से हो, आपको चार डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और चार डोमेन सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करने हैं वो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर चार डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एग्जाम दे रहे हो सीयूईटी का आईसीआर के लिए, तो उससे आपको कितना फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, वो आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अब मैं बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर वालों के लिए। एबीसी ग्रुप के जो बंदे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। उनको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री तो सेलेक्ट करना है ही, तीन सब्जेक्ट तो आपको सेलेक्ट करने हैं, मिनिमम तीन सब्जेक्ट तो आपको सेलेक्ट करने ही है। लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपको सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर फिजिक्स सेलेक्ट करना है। और क्यों फिजिक्स सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतने अपन और ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आप पीसीएम से हो तो आपको पीसीएम तो सेलेक्ट करना है ही। 12th में अगर आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट था तो आपको पीसीएम तो सेलेक्ट करना ही, उसके साथ आप एग्रीकल्चर या बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको एग्रीकल्चर ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको चार डोमेन नोट कर लेने हैं और आपको यही चार डोमेन भरने हैं। उसके अलावा अगर आप बायोलॉजी के बायोलॉजी वालों की बात करूँ मैं, तो बायोलॉजी के अधिकतर पीसीबी सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है चौथे डोमेन में, वो एग्रीकल्चर या मैथ को रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आपको एग्रीकल्चर ही लेना है, क्योंकि एग्रीकल्चर आसान पड़ेगा। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट हो तो एग्रीकल्चर की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, कहाँ से आपको कंटेंट पढ़ना है, तो जिससे आपके क्वेश्चन भी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि भैया तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आईसीआर के लिए, लेकिन आप चार सब्जेक्ट क्यों बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआर के अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जिनसे आप सीयूईटी में एलिजिबल हो पाओगे, जैसे बीएचयू, विश्व भारती, नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू जो आपका आईसीआर है वहां पे यह रूल है कि जो आपने 12th में जिस सब्जेक्ट से आपका 12th पास किया है उसी सब्जेक्ट से आपको सीयूईटी में एग्जाम देना है, उन्हीं के नंबर आपके जो रैंक कार्ड आएगा उसमें काउंट होंगे। लेकिन अगर आप बात करें बीएचयू की, विश्व भारती की, नागालैंड की, तो बीएचयू के लिए आप अगर पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपके एबीसी में एबीसी से आप एग्जाम दे रहे हो और आपके फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्कोर हो रहा है, तो आप यहाँ पर एबीसी से एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर आपका कोई मैटर नहीं करता कि आपने 12th कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पास किया है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको चार सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। लेकिन विश्व भारती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके पास फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स नहीं भरा, जैसे मैं चार सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, तो किसी ने भर दिया केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथ, और फिजिक्स उसने भरा ही नहीं, तो उसको वहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। विश्व भारती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कोलकाता में है वहाँ पर आपका फिजिक्स कंपलसरी है, आपके पास फिजिक्स होना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना है। और नागालैंड में जो पिछली बार का जो रूल था सीयूईटी का, जो उन्होंने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया था, वो एग्रीकल्चर को ही उन्होंने अपना डोमेन माना था कि एग्रीकल्चर के हिसाब से हम एडमिशन लेंगे, लेकिन ये दो यूनिवर्सिटियों का क्लियर है। तो आपको चार डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं अपनी सीयूईटी के लिए, जिससे आप कई जगह एलिजिबल हो पाओगे। 400 रुपये की बात है, चार डोमेन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। तीन के लिए आपको अच्छे से मेहनत कर ले, लेकिन चौथे को आपको एज ए ऑप्शन रख के चलना है कि अगर आप उसमें स्कोर कर जाते हो अच्छा, तो सीयूईटी में आपका बीएचयू है, विश्व भारती है, वहाँ पर जो आपके चार में से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें आपने ज़्यादा स्कोर किया वही काउंट कर लिए जाएंगे। तो इसका आपको फ़ायदा लेना है, ना कि आपको तीन सब्जेक्ट भरने हैं। कई मैंने बंदे देखे कि एक बंदा था, मैं उससे कहा सुबह, एक भैया ने मेरे पास वीडियो भेजा कि भैया आपने मेरे को ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बोला था, लेकिन ये भैया मेरे पास एग्रीकल्चर है
और ये मेरे को पीसीबी लेने के लिए बोल रहा है, राजस्थान के बंदे को वो पीसीए लेने के लिए बोला है। कोई यूट्यूबर है, उसने बोला कि एग्रीकल्चर के बंदे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को पीसीए लेना है। भाई राजस्थान में तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से एग्जाम देता है 12th का, वो आईसीआर में एलिजिबल कैसे होगा? तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको एबीसी ही लेना है, मतलब जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे वो तो आपको भरने है ही, उसके अलावा आप चौथा सब्जेक्ट एज ए ऑप्शन आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। तो आशा करता हूँ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर कोई डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं रहेगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछिए, मैं कमेंट में आपका जरूर जवाब दूंगा। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।